अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आर्यन कॉलोनी रियासत नगर में कोरोना वायरस के चलते एक शख्स की मौत। घर वालों को घर में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। आइए मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं MIM कोऑपरेटर सलीम बेग साहब से। आज राजनरसिम्हा नगर कॉलोनी में एक 45 साल शख्स मतीन साहब, जिनका नाम था, वो आज से 10 साल पहले टीबी का शिकार भी थे। उसके बाद इलाज हुआ, सेहतयाब थे, फिर अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोई भी नहीं लिए, दवाखाने उस्मानिया जाने के बाद दवाखाने उस्मानिया में वहाँ एडमिट नहीं करे, बल्कि उनको वहाँ से गांधी हॉस्पिटल भेज दिया गया था। गांधी हॉस्पिटल में शरीक करने के बाद टेस्ट करने से पता चला कि उनको कोविड हुआ था, और उसी वजह से आज उनका इंतकाल हो गया। इंशाल्लाह मकान की तामीर के बाद शरीफ नगर में मकान तामीर तैयार किया जा रहा है, और मकान की तैयारी के बाद पुलिस और महकमे सेहत की सरपरस्त निगरानी में उनकी मैयत को लाकर तदफीन अमल में लाई जाएगी। और उनके घर में चार अफराद ख़ानदान, उनके दो लड़कियां, एक लड़का और उनकी बीवी को भी जो है सो घर ही में क्वारंटाइन किया गया है राजनरसिम्हा नगर में। और ये क्यों, चूँकि उनकी दोनों बीमार रहा करते थे, इस वजह से उनको ये अफेक्ट हुआ है। और पुलिस और महकमे सेहत के आला अहदेदार भी आकर मुआयना किए हैं। इंशाल्लाह मज़ीद जो है सो जानकारी की कोशिश की जा रही है कि कोई और मुतासिर ना हो। अतराफ में क्वारंटाइन कर दिया गया है, ये बैरिगेड भी लगा दिए गए हैं।